दोस्तों बात की जाए एक्सपायरी की, तो अधिकांश लोग मैक्सिमम लोग यही समझते हैं कि भाई एक्सपायरी के बाद लोग जो दवा होती है खराब हो जाती है, या कई तो ये भी समझते हैं कि दवा जहरीली हो जाती है, उससे किसी की मौत हो सकती है। बात की जाए अगर एक्सपायरी की, दवाइयों की एक्सपायरी कैसे काम करती है। यहाँ पे अगर कोई दवा 20 जुलाई 2018 को एक्सपायर हो रही है, तो उसका मतलब ये है कि उस दवाई की जो 20 जुलाई 2018 को 90% पोटेंसी बची, मतलब कि उसके काम करने की क्षमता में से 10% क्षमता खत्म हो गई। मान लेते हैं कि आप पैरासीटामोल को ले लो, कि भाई पैरासीटामोल बुखार के लिए दिया जाता है, एंटीपायरेटिक ड्रग है, तो वो जो पैरासीटामोल है 100% काम करेगा कब तक, 20 जुलाई 2018 तक। सो इसके बाद पूरा काम नहीं करेगा, सिर्फ 90% पैरासीटामोल काम करेगा, तो 90% की पोटेंसी उसके अंदर बचती है। तो इसका मतलब पूरा पूरा ये होता है कि भाई दवा काम करती है लेकिन कम काम करती है, पूरा काम नहीं करती है। यहाँ पे कहीं पे भी ये प्रूव नहीं हुआ आज तक का कि दवा जहर बन जाती हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं होता है। ठीक, तो ये क्लियर कि भाई एक्सपायरी का मतलब पोटेंसी कम हो जाना। हमने जो दवा ली अगर उसकी एक्सपायर हो गई है तो वो कम काम करेगी, काम तो करेगी करेगी। इवन ये भी देखा जाता है कि दवाओं की जो बची हुई पोटेंसी है एक्सपायरी के बाद वो 1-1 साल तक रहती है, 1 साल तक 90%, उसके बाद 80%, इस तरह से। मतलब जो पोटेंसी होती है उसको, जो काम करने की क्षमता होती है, धीरे धीरे कम होती है, ना कि एकदम से खत्म हो जाती है कि भाई आज एक्सपायर हुई दवा और आज ही जहर बन गई, या वट एवर काम की बची नहीं, वो कचरा है, ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक्सपायरी का ये मतलब होता है कि भाई इस टाइम तक दवा बहुत अच्छा काम करेगी। आप सोच रहे होंगे कंपनी को कैसे पता चलता है कि जो हमने दवा बनाई है वो 1 साल तक रहेगी, या उसकी जो एक्सपायरी 2 साल चलेगी या 3 साल चलेगी, तो ऐसा कैसे वो पता लगा लेते हैं। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज में एक टेस्ट किया जाता है, जिसे बोलते हैं एक्सेलरेटेड डिग्रेडेशन टेस्ट। इस टेस्ट में होता क्या है कि एक चैम्बर रहता है, साइमल्टेनियसली एक चैम्बर रहता है, जो कि जिसमें कुछ चीज़ें फिक्स रहती हैं, मतलब कॉन्स्टेंट रहती हैं भाई, जो दवा को उसमें रखा जाता है, चाहे वो सिरप फॉर्म में हो, टैबलेट फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में हो, तो वहाँ पे उस दवा के आसपास का माहौल बदला जाता है। उस दवा का टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा, आसपास का नमी को बढ़ाया जाएगा, वहाँ पर सनलाइट डाली जाएगी, वट एवर इस टाइप के प्रयोग करे जाते हैं। तो उससे ये पता करते हैं कि भाई जो हमारी दवा है जो सिचुएशंस में कैसे सरवाइव कर सकती है, या वेरियस कंडीशंस में उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं आ रहा, या उसकी पोटेंसी कम तो नहीं हो रही है। तो इस तरह के प्रयोगों से वो ये पता कर लेते हैं कि भाई हमारी दवा जो है 1 साल तक चल जाएगी, 2 साल तक टिक जाएगी, वट एवर। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा दवाइयों पर लिखा रहता है प्लीज स्टोर इन अ कूल प्लेस, और कई बार लिखा रहता है कि अवे फ्रॉम द सनलाइट, एंड ये भी लिखा रहता है कि डू नॉट फ्रीज। तो इसका मतलब क्या है कि भाई कंपनी वाले ये बोल रहे हैं कि भाई आप दवा को ऐसे रखें, उसको प्लीज फ्रिज में मत रखना, और सूर्य की किरणों के बीच में मत लाना, और ठंडी जगह पर ना रखें, मतलब ठंडी जगह पर रखें लेकिन फ्रिज में ना रखें। तो उनका ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये सब नियमों को मतलब नहीं मानेंगे तो आपकी दवा एक्सपायर हो जाएगी। अगर आप उसको खुले में रख देंगे, सूर्य की किरणों के बीच में दिखाएंगे, तो दवा आपकी डेट ऑफ एक्सपायरी से पहले ही एक्सपायर हो जाएगी, और आप ये सोच के खुश होते रहेंगे कि हमारी दवा में तो अभी 1 साल है एक्सपायर होने में, और जबकि आपने उसको घर बैठे बैठे एक्सपायर कर दिया है। तो सिर्फ और सिर्फ ये होता है एक्सपायरी का मतलब। सो अब बात की जाए कि आपको खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, डिपेंड करता है दोस्तों आप किस कंडीशन में हैं। अगर कोई लाइफ सेविंग ड्रग्स है, मतलब कि किसी की जान बचनी है, वो हो सकती है ब्लड प्रेशर की दवा हो सकती है, हार्ट अटैक की हो सकती है, वट एवर मिर्गी की हो सकती है, सो यहाँ पे इन चीज़ों में आप एक्सपेरिमेंट ना करें, क्योंकि किसी की जान का सवाल है तो कभी भी एक्सपेरिमेंट ना करें। हाँ, रही बात अगर नॉर्मल सा सर्दी जुकाम खांसी है और फिर भी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है दवा दूसरा, तो आप ले सकते हैं, वो काम करेगी, 90% काम करेगी, 100% नहीं करेगी। अब रही बात कि कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे एक्सपायरी खाने की सलाह दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आपको ये सोचिए कि आपने पैसा दिया है तो आपको तो फुल पोटेंसी वाली दवा लेनी ही चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि आप मेडिकल पे खड़े हैं और वो आपको मेडिकल वाला एक्सपायर दवा दे रहा है और आप सोच के आगे कह रहे हैं जो 90% काम कर देगी, चलो ठीक है वो ज्ञानेर मताया था रख लो, तो ऐसा नहीं होता है। आपने पूरा पैसा दिया तो आप फुल दवा लेना, एक्सपायर लेने की जरूरत नहीं है, मेडिकल से कभी भी एक्सपायर ना लें, क्योंकि आपने पैसा पूरा दिया है तो आप पूरी दवा लें। हाँ, वेरियस कंडीशंस में ऐसा इमरजेंसी फंस गई तो भाई
आपका तबीयत भी खराब है और वहाँ जंगल है, एक प्रकार से मान लेते हैं जंगल ही है, तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सभी लोग पढ़े लिखे हैं और शहर में हैं, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए था कि जो बाई चांस कभी गलती से एक्सपायरी दवाई खा लेते हैं तो बहुत घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि क्या पता क्या होगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।